हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वासिंपल में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन, इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन, लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी पेंशन का स्टेटस कैसे चेक करते हैं, किन लोगों का पास हुआ है, किन लोगों का जा चुका है, साथ ही जीवन प्रमाण पत्र जो आपने दिया था वो एक्सेप्ट हो चुका है, नहीं हुआ है या आपने नहीं दिया है, तो सारा कुछ हम सीखेंगे इस वीडियो में। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने पीसी या फिर अपने मोबाइल के गूगल क्रोम ब्राउजर में चले जाना है और आपको सर्च बार में टाइप करना है ई लाभार्थी। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, इस वक्त आपको यहां पर टाइप करना है ई लाभार्थी। सिंपली आपको इस पे सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे ऊपर वाले ई लाभार्थी पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आपको क्या करना है, सिंपली इस वाले लिंक पे आपको जो है क्लिक कर देना है। ये जो है सीएससी वालों के लिए है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे। चलिए हम इस पे क्लिक कर दिए। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ आपको देखने को मिल जाता है होम, यहाँ पर डैशबोर्ड है, यहाँ पर अबाउट अस है, यहाँ पर आपका पेमेंट रिपोर्ट है। जैसे ही आप पेमेंट रिपोर्ट में अपने कर्सर को लेकर जाओगे, आपके सामने तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर चेक बेनिफिशियरी पेमेंट हिस्ट्री है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन में आपको ये नया लेटेस्ट डाल दिया गया है। इसमें आपको बेनिफिशियरी स्टेटस लिंक्स, इसमें भी आप देख सकते हो बिना आधार नंबर, बिना किसी दस्तावेज के। थर्ड ऑप्शन में आपको मिल जाता है चेक बेनिफिशियरी स्टेटस। इसमें आपको लाभार्थी का आधार नंबर होना चाहिए या फिर लाभार्थी का इसमें अकाउंट नंबर होना चाहिए। तो दोनों स्थिति में आप चेक कर सकते हो। आपको यहां पर एक बार हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे आप थर्ड वाले ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा चेक बेनिफिशियरी स्टेटस, तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपका जो सा भी डिस्ट्रिक्ट होगा उस डिस्ट्रिक्ट को आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो सा भी आपका ब्लॉक होगा उस ब्लॉक को आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर बेनिफिशियरी आईडी मांगा जाएगा। अब आपसे लाभार्थी का या आईडी नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप अकाउंट नंबर चूज कर लीजिए या फिर आप आधार नंबर चूज कर लीजिए। जो सा भी आपको सुविधा लगता है आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद जैसे हमने यहाँ पर आधार नंबर चुना, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे जिस कैंडिडेट का आप चेक करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली सर्च बार पे क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आपके पास आधार संख्या नहीं है, आपके पास अकाउंट संख्या नहीं है, अकाउंट नंबर नहीं है, तो इस स्थिति में आप चाहते हो कि आप अपने समाज में अपने परिवार का या अपने आस पड़ोस का या अपने सगी संबंधी का या पूरे बिहार में किसी भी डिस्ट्रिक्ट का आप देखना चाहो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पेमेंट रिपोर्ट पे जैसे ही आप आते हो तो सेकंड वाले ऑप्शन यानी बेनिफिशियरी स्टेटस लिस्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। अब इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब जो सा भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा उस डिस्ट्रिक्ट को आप यहां पर सिलेक्ट कीजिएगा। उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद जो सा भी आपका ब्लॉक होगा उस ब्लॉक को यहां पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपने पंचायत को यहां पर सिलेक्ट करना है। अगर आप नगर से होंगे तो नगर सिलेक्ट कीजिएगा, अगर आप पंचायत से होंगे तो यहां पर आपका पंचायत भी लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको अपना पंचायत सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलता है स्कीम नेम। अब यहाँ पर देखिए, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर बहुत तरह के जो है पेंशन आपको मिलता है, जैसे कि विकलांग पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन हो गया, लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी पेंशन हो गया, तो ये सब सारा कुछ आपको देखने को मिल रहा है। तो जिस भी पेंशन का आप स्टेटस चेक करना चाहते हो तो उस पर आप क्लिक करोगे। जिसके लिए आपने आवेदन दिया होगा, जाहिर सी बात है आप उसको उसका ही स्टेटस चेक करना चाहोगे। तो यहाँ पर जैसे कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन पर हमने क्लिक किया, आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर सर्च बार पे हम क्लिक करेंगे। तो देखिए, जैसे ही हमने सर्च बार पे क्लिक किया, यहाँ पर सबसे पहले में आपको देखने को मिल जाता है क्रम संख्या, उसके बाद यहाँ पर आपका पंचायत का नाम, उसके बाद यहाँ पर आपका ग्राम या वार्ड नंबर, उसके बाद योजना का नाम और यहाँ पर आपको लाभार्थी का नाम।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रेखा देवी लालमुनि यादव, इनका लाभार्थी संख्या ये हो गया, उसके बाद खाता संख्या ये जो आपको देखने को मिल रहा होगा, और यहाँ पर जो इनकी वर्तमान स्थिति है वो यहाँ पर लिखा जा रहा है कि भुगतान किया जा चुका है, और यहाँ पर बाकी आप स्टेटस देख पा रहे हो भुगतान की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है। तो इस तरह से और भी आप अगर इसमें और भी देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर नीचे में सेकेंड नंबर पर जाकर क्लिक करोगे, और भी आप देखना चाहते हो तो उसी तरह से आपको यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर देख सकते हैं। तो ये अच्छा यहाँ ये जो है ये जो पंचायत हमने सेलेक्ट किया है यहाँ पर, तो स्थिति अच्छा है, काफी लोगों का जितने भी लोगों का यहाँ पर है भुगतान वो किया जा चुका है। अगर हम वही डिस्ट्रिक्ट को अगर चेंज करते हैं, चेंज करने के बाद यहाँ अगर पंचायत को भी चेंज करते हैं, पंचायत चेंज करने के बाद हम यहाँ पंचायत लिख दिया और उसके बाद स्कीम यही छोड़ देते हैं। चलिए अब सर्च बार पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब अलग अलग टाइप के आपको देखने को थोड़ा सा मिल रहा होगा, यानी कि ये जो दरभंगा में ये जो पंचायत है यहाँ पर देखिए, ये इनका नाम है राजिया और नूरुल होदा, तो इनका यहाँ पर लाभार्थी का स्वीकृति राज्य स्तर से लंबित है। बाकी यहाँ पर देखिए भुगतान की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, लगभग लगभग लोगों का जो है स्थिति जो है सही ही है, भुगतान किया जा चुका है। यहाँ पर देखिए ब्लॉक से सत्यापन हो चुका है, ब्लॉक से लॉक लंबित है। तो इस तरह से आप स्टेटस स्थिति को चेक कर सकते हो अपने किसी भी पेंशन का। अब आइए दूसरा बात करें यहाँ पर, तो सबसे इसको होम पेज पर हम लेकर आते हैं। होम पेज पर लेने के बाद आप देखिए सबसे नीचे आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा होगा यूजफुल लिंक, उपयोगी लिंक, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा लाभार्थी के जीवन प्रमाण पत्र की स्थिति की जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें। आपको पता है कि पेंशन जो 60 वर्ष के बाद जो लोग लेते हैं तो उसमें उस स्थिति में आपको जो है क्या है कि आपको जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। जीवन प्रमाण पत्र दो तरीके से जमा होता है यहाँ पर। अब लोग पहले जो बैंक में जा करके अपने जीवन प्रमाण पत्र को देते थे, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो CSC के माध्यम से भी जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन दे रहे हैं। तो उस स्थिति में आप यहाँ पर जो है आप चेक कर सकते हो कि आपका जो है दिया गया है नहीं दिया गया है, क्या है स्टेटस क्या नहीं है। तो इस तरह से आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, बेनिफिशियरी आईडी में आप अपना आधार नंबर या अकाउंट नंबर दोनों डाल सकते हैं। जैसा कि एक अकाउंट नंबर हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ये डालें, ठीक है। उसके बाद हम सिंपली सोम पर जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए लाभार्थी का जीवन प्रमाण पत्र दर्ज नहीं किया गया है। तो इस तरह से देखिए आपने जीवन प्रमाण पत्र आपका दर्ज है नहीं है उसको भी आप चेक कर सकते हो, और साथ ही आपका जो पेंशन का क्या स्थिति है उसको भी आप चेक कर। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो नीचे रेड कलर का बटन आपको दिख रहा होगा उसको दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही मिलेगा आपको बेल वाला आइकन, घंटी वाला बटन, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी मैं फ्यूचर में कोई न्यू वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए, टेक केयर, बाय बाय।